हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव फ्रॉम एवियाना बर्ड फॉर्म। और मैंने अपना कॉकटेल का सेटअप लगभग कंप्लीट कर लिया है, बस ये लोग इनको ब्रीडिंग पे बिठाना है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सेटअप के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। इससे पहला वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने जाके वो वाला वीडियो देख ले, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक सेटअप के अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे सेट के अंदर अभी क्या हाल है। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ बजरा गैस वैसे भी स्टोर के रखे हैं, और यहाँ पर मेरा टोटल जो है कॉकटेल का सेटअप है। देख सकते हो आप, बहुत सारे मैंने यहाँ पर लगभग 30-40 कॉकटेल स्टोर के रखे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 30 कॉकटेल छोड़ दिया है अभी। तो ये सारे के सारे कुछ पट्टे हैं और कुछ साथ में कुछ ब्रीडिंग पेयर्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो अभी मैं इनको सीजन करने के लिए इसको 2 महीना इसको ऐसे ही खुला रखूँगा। अभी भी ऐसे ही सर्दियों का मौसम है। देखो, अब केज के अंदर भी एक बर्ड चला गया है, नीचे भी है। तो ये टोटल जो व्यू है, ये मैंने क्या किया है, केजेस के ऊपर ऐसे करके मैंने थोड़े से बैठने के लिए उन लोगों के लिए थोड़ा जगह बना दिया हुआ है। ठीक है, और जो बजरी गैस मैं वैसे भी रख दिया हूँ, क्योंकि जो जितने सारे खाना वेस्ट होता है तो बजरी गैस खा लेते हैं आराम से और ब्रीडिंग भी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मतलब हर साल ब्रीडिंग अच्छा ही मिल जाता है, क्योंकि ये बजरी गैस जो है ना कॉकटेल के साथ रह जाते हैं। मैं इनको रखता हूँ, सिर्फ जो खाना वेस्ट होता है वो उस खाने को ये लोग खा लेते हैं बस। ठीक है, ये वैसे मेरे बजरी गैस का सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने अंदर भी वहाँ पे भी कुछ बजरी गैस खा रहे हैं। तो नीचे लवबर्ड का सेटअप है, वहाँ पे नीचे मैंने लवबर्ड का भी सेटअप लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये अभी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेटअप लगाने से पहले कुछ चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसा भी सेटअप लगा रहे हो तो उसमें आपको पूरा दिन नहीं तो कम से कम 6-7 घंटे धूप आनी चाहिए। मैंने अपना जो सेटअप बनाया हुआ है आप देख सकते हो, मैंने पीछे खिड़की है, दूसरा, तीसरा और ये बड़ा वाला खिड़की, चौथा। तो मेरा ये करीबन 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है, और उसमें भी मैंने 4 खिड़कियाँ लगाई हुई है ताकि धूप आराम से अंदर बाहर जा सके। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है, आप जो क्या करोगे, आपको ना इन सारे नेट्स के अंदर, नेट के ऊपर मच्छरदानी लगानी है। जो ऐसा मच्छर का जाला होता है ना, आपको इस तरह का जाली लगानी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मच्छर आके शिक्स को काट भी नहीं सकते हैं, और थोड़ा बहुत मच्छर हो तो आप उसको मॉर्टिंग या फिर ऐसा कुछ जगा के भगा सकते हो। ठीक है, तीसरा चीज़ यह है कि आपको एक भी कोई भी अगर एनवायरनमेंट आपको देना है बर्ड को, बर्ड के लिए, तो आपको पहला चीज़ ये करना है, नेट बॉक्स का एंट्री हमेशा ऊपर से होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है, आपका नेट बॉक्स जो है वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, आप यहाँ पे खोल के देख भी सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो आराम से आप चेक कर सकते हो। तीसरा चीज़ है, मैंने यहाँ पे एक पाइप लगाया हुआ है, ये वाला पाइप, क्योंकि मेरे यहाँ पे लकड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल है, और ये पाइप रबर का होता है तो वो काट लेंगे उस हिसाब से, अपने हिसाब से इनको बना लेंगे। और साथ में ना आपको स्ट्रेस हटाने के लिए, बर्ड का जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, तो आपको इस तरह का रिंग्स खेलने के लिए, उनके खेलने के लिए इसको टॉय में आकार में देना है। ठीक है, अच्छा, तीसरा चीज़ जो मैं अभी आपको बताऊँगा कि आप अगर किसी ओपन एवियरी में इस तरह से बर्ड का सेटअप कर रहे हो तो इसमें आपको बहुत सारे टॉयज ऐसे करके आपको डालनी है, ताकि बर्ड पूरा दिन खेलते रहे, और हर 1-1.5 महीने के बाद इन टॉयज़ को रीलोकेट करना है। मतलब आप एक को यहाँ पे बदल के किसी और कलर का टॉय रख दो, तो इससे क्या होता है कि उन लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ लकड़ियों के व्हील्स भी पड़े हुए थे, तो मैंने इसको अच्छी तरह से बना दिया है, वो पूरा दिन काटते रहते हैं। और इसका फ़ायदा भी ये है कि वो दूसरे चीज़ों को, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके केजेस के, जैसे कि ये सारी की सारी चीज़ें जो लकड़ियाँ बनी हुई है,
इन सारी की सारी चीज़ों को जो लकड़ियों से बनी हुई होती है इस तरह से वो काट के बर्बाद ना कर सके। ठीक है, मैंने ये लवबर्ड का बनाया था, देखो काट के कैसे हालत ख़राब कर दिया है इसका। तो स्ट्रेस बस्टिंग जो है, पहला चीज़ तो ये है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको स्ट्रेस बस्टर बर्ड को देना पड़ेगा। स्ट्रेस बस्टिंग तो कोई केमिकल चीज़ों से नहीं होती है, आपको बर्ड को उड़ने के लिए जगह देनी पड़ेगी। देखो आप यहाँ पे मैं हटा था उन बर्ड को, ये कैसे उड़ रहे हैं, आराम से उड़ जाएंगे अभी आप देख सकते हो। तो ये सारे के सारे जो बर्ड्स है ना, ये सारे के सारे बर्ड पूरा दिन आराम से उड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथ में इस तरह के रंगीन खिलौनों का इस्तेमाल करो या फिर वुडन टाइप का कोई खिलौना इस्तेमाल करो, ठीक है, जिसको वो काट सके, अपने हिसाब से खेल सके, रिंग्स में वो झूल भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्रेस का लेवल आपके बर्ड का कम रहेगा, वो किसी भी तरह से ये फील नहीं करेगा कि मैं केज के अंदर बंधा हुआ हूँ, एंड इफ दे फील सिक्योर, वो अगर सिक्योर फील करे तो इस हिसाब से, हाँ मम्मा आ जाओ आ जाओ आओ आओ, इफ दे फील सिक्योर, देखो ये डर भी नहीं रही है कि उस पास आ जाती है, तो फिर वो लोग आराम से ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ करना है, कभी भी परिंदा अगर लाओ तो केज सेटअप में बाद में डालो। आप क्या करो, पहले कोई भी चीज़ हो, कोई भी बर्ड हो, उसको पहले रखो, अगर हो सके तो बड़े वाले केजेस में रखो, मिनिमम उसका साइज़ होना चाहिए 4 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट। तो फिर क्या होता है, उसमें उसको फ्लाई जोन मिल जाता है, तो उससे उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे घटता जाता है। दूसरा चीज़ है, आप क्या करो, जब सेटअप बनाओ, सेटअप के अंदर बहुत सारे टॉयज रखा करो। टॉयज रखोगे तो आपको उसमें क्या दिखेगा कि आप जितना सारे टॉयज रखोगे उतना ही ज़्यादा वो खेलता रहेगा। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इतना भी ज़्यादा टॉय मत लगाओ कि ताकि वो उड़ ना पाए, ठीक है। तीसरा चीज़ ये है मेटिंग का, मैं जो सोचता हूँ कि हम लोग जो ज़ोर से उन लोगों का मेटिंग करवाते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी पेयर उठा लिया, फिर उसको उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पेयर को उठा के हम लोग उस हिसाब से हम लोग को क्या पेयर को उठा के अपने हिसाब से लगा देते हैं। कभी भी ऐसी नहीं करनी है, आपको पहले उसको कॉलोनी में छोड़ना है, फिर कॉलोनी में देखो कि कौन सा बर्ड अपने हिसाब से पार्टनर को चूज़ कर रहा है, देन आप उसके जो मेल और फीमेल है उसको अच्छी तरह से चेक करो, उसके सेक्सेस क्या, उसको चेक करो, देन आपको क्या करना है, उसके बाद एक केज के बगल के केज में, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये केज हो गया, ये बगल का एक केज हो गया, दोनों डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं, उन दोनों डिफरेंट बजट में एक को मेल एक में फीमेल डाल दो। अब देखिए 2 दिन तक कि उनका टेम्परामेंट क्या होता है, कि वो ज़्यादा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक पास आकर चोट से चोट मिला रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद आपको ये चीज़ लगानी है कि केज सेटअप में हम वहाँ पे किस तरह से खाना दें, या फिर केज सेटअप का साइज़ कितना होना चाहिए आपको, मतलब ये जो साइड है ये वाला 2.5 फीट का होना चाहिए, ये वाला हाइट 2 फीट का होना चाहिए, डेप्थ भी आपको मिनिमम 2 फीट का ही देना पड़ेगा। तो क्या होगा कि फ्लाई जोन जो है वो बर्ड का फ्लाई जोन अच्छी तरह से बरकरार रहेगा, ठीक है। तो आप और भी चीज़ें हम लोग देखने को, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये पेयर बैठी हुई है, तो यहाँ पे जितने सारे भी मेरे पास पेयर्स है ना, तो उसमें से ज़्यादातर पट्टे से तैयार हुआ पेयर हुए हैं। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो, ये मैंने कुछ पट्टे लाए थे और साथ में कुछ बेबीज आ गए हैं यहाँ पे। तो आपको जो भी करना है कि इन लोगों को पेयर्स को उनके हिसाब से ही चॉइस को चॉइस करने के लिए देना है, ठीक है, आपको उनके हिसाब से ही चॉइस के लिए देना है, ताकि वो आराम से क्या कर पाए, आराम से उड़ पाए चीज़ों में, वो लोग आराम से उड़ पाए, आराम से खेल पाए, ठीक है। तीसरा चीज़ ये है कि आप लोग जब ब्रीडिंग सीजन आता है, तो ब्रीडिंग सीजन जब आता है तब टेम्परेचर उससे पहले चेंज होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रूम का जो टेम्परेचर हो वो करीबन 37 डिग्री के आसपास रहे। लेकिन सर्दियों में ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूम के अंदर 100 वाट का बल्ब लगा दे सकते हैं,
ठीक है। और चारों के चारों जो खिड़कियां, मैं क्या करता हूँ कि चारों के चारों की खिड़कियों में मैं एक जाली वाला शेप टाइप का लगा देता हूँ, ताकि वो बहुत अच्छी तरह से उस शेप में, शेप के अंदर टेम्परेचर को होल्ड कर सके, ठीक है। डोंट वरी, क्योंकि वो जो कपड़े का शेड हम लोग लगाते हैं उसके अंदर से हवा अंदर बाहर जा सकती है, और यहाँ तक कि मेरे पास बहुत सारे क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम्स भी है, और साथ में आप लोग अगर हो सके तो वेंटिलेशन के जो छोटे छोटे फैन जाते हैं उसको भी लगा सकते हो, लेकिन बर्ड ताकि उसके अंदर चलाना जाए तो उस हिसाब से वो देख के आपको लगाना है, ठीक है। जो भी एग्जॉस्ट फैन टाइप का फैन होता है, जैसे कि कार के लिए जो खिड़कियों में लगाते हैं, कार के खिड़कियों के लिए, कार कूल करने के लिए, वो अपनी खिड़की के बाहर एक टांग सकते हो तो फ्रेश हवा अंदर बाहर होती जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर सेटअप करना है तो टॉयज के बारे में मैं बता रहा था कि टॉयज आपकी जितने भी तरह के आप टॉयज दिमाग से आपका DIY में जितना भी दिमाग में आए आप उस तरह से टॉयज बनाया कीजिए, बर्ड्स को दिया कीजिए, एंड इफ़ यू गिव दिस बर्ड टू टॉयज द स्ट्रेस लेवल विल ईजीली डिक्रीज, आपको उसके लिए कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आप इस तरह से ना, जो ये मैं यहाँ पे कटल बोन दिखा रहा हूँ आपको, ये जो कटल बोन है देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना, ये तरह की, ये जो जिस तरह का कटल बोन है, आप लार्ज पीसेज ऑफ कटल बोन्स को आपके फ्लोर के ऊपर फैला के रखो, तो फिर वो क्या करेंगे उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो लोग क्या करेंगे अपने हिसाब से कैल्शियम को अपटेक करते रहेंगे, पूरा दिन खेलते रहेंगे, खुरचते रहेंगे उसको। तो उस हिसाब से आपको एक चीज़ और भी करनी है कि कटल बोन के साथ साथ आप जो अपना सीड मिक्स दे रहे हो ना, सीड मिक्स को हमेशा आप क्या करो कि हर दिन जो आपका, मेरा ये देखो आप सीड मिक्स मैंने डाल के रखा था आपको, मैं पिछले वीडियो में भी दिखाया था, ये मेरा सीड मिक्स है। सीड मिक्स को ना आप हो सके तो दिन में 10 मिनट के लिए बस एक ही दिन में इसको साफ कर लो, कुछ नहीं करना है, इसको बस होल्ड करके ऐसे फूंक मारो, फिर थोड़ा सा शेक कर दो, फिर होल्ड करके ऐसे फूंक मारो, आप आराम से सीड मिक्स को क्लीन कर सकते हो। ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है सीड मिक्स को, वैसे कि मेरे पास एक ब्लोअर है जिससे मैं आराम से बहुत सारे सीड मिक्स क्लीन करना होता है, इसीलिए मैं ब्लोअर से भी क्लीन कर देता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हो, उसका भी ज़रूरत नहीं है, बस शेक करते जाइए और जितने भी सारे आपके पास है ना, जितने भी सारे आपके पास है सीड्स है, उन सीड्स को आप आराम से ब्लोअर की मदद से या फिर आप आराम से उनको ऐसे ही हवा की मदद से आप लोग सीड में क्लीन करके रख सकते हो, ठीक है। तो आज अभी मैं आपको ब्लोअर के जरिए सीड में क्लीन करके दिखाता हूँ कि मैं से अपना क्लीनिंग कैसे करता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास एक जूम पेंटर का ये इस तरह का ब्लोअर है, तो मैं क्या करता हूँ इन ब्लोअर से, इस ब्लोअर से ना मैं यहाँ पे सीड मिक्स को, जो सीड मिक्स है इसके पास मैं रख देता हूँ, फिर आराम से ये सीड मिक्स साफ़ हो जाता है, ठीक है। तो कैसे करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये ब्लोअर लिया, साथ में ले लिया ये गमली, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ब्लोअर को नीचे हटा देते हैं, उसके बाद इस गमले के अंदर हम लोग, अब हम लोगों का जो पूरा शेड है उसको हम लोग डाल देते हैं। अभी ब्लोअर को हम लोग ऑन कर देंगे, आपको आवाज़ आती होगी, आ रही होगी, ये ब्लोअर का साउंड है। तो ब्लोअर से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने रूम के अंदर इस तरह का आराम से साफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो करेंगे यहाँ पे रूम के साइड वगैरह साफ हो गए, अभी हम लोग इसको साइड से डालेंगे, देखो आपको दिखती होगी
आपको इसको साफ कर देनी है ऐसे, ठीक है। आपको जहाँ जहाँ भी साफ करनी है आप वहाँ भी झाड़ू लगाने जैसा आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो मैंने अपना ब्लोअर को कर दिया है बंद, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सीट कैसे साफ हुआ है। आप देख सकते हो सीट एकदम साफ हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग अपना सीट में क्लीन कर सकते हो, और जो आपको दाने मिलेंगे एकदम से साफ सुथरे दाने। मैंने सिर्फ वीडियो के लिए थोड़ा जल्दी किया, नहीं तो ये दाना और भी साफ लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि ब्लोअर के हिसाब से ब्लोअर से आपको कैसे साफ़ करना है सीड्स को। तो एक साथ जितना ज़्यादा दाना रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लोअर में जस्ट 2 या 3 मिनट लगते हैं यार साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो आप आराम से उसको साफ़ कर लो, फिर झाड़ू से उठा लो, झाड़ू से मैलों को उठा लो, फिर देखो कि बर्ड जो है वो कितने सॉफ्ट से खाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको मेडिसिन्स के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।